इस समय क्षेत्र का नवरात्र चल रहा है, बहुत काफ़ी मतलब भीड़ होती है, सामान भी मतलब काफ़ी बिकते हैं और पूजा पाठ का सामान बिकता है, कुछ मतलब प्रसाद का भी सामान बिकता है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल गुप्ता। तो खास तौर से लगाते हैं वाराणसी शहर में, सिटी में ही, और पूजा पाठ का सामान भी बेचते हैं। तो कुछ सामानों का दाम जानेंगे कि मतलब इस समय नवरात्र में मतलब जो है कि कितना महंगा हुआ सामान, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पूछते हैं भैया, जैसा बताइए तो पहले से सामान कुछ महंगा हो गया है क्या? नहीं, करीब करीब बराबर ही देते हैं, अभी ज़्यादा मतलब महंगा हुआ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे चुनरी अगर मतलब मान लीजिए जो है, तो जैसे चुनरी कई क्वालिटी होगी आपके पास, तो क्या दाम होगा इसका? इसका तो आपका 20 रुपया है। अच्छा, और ये चुनरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 5 रुपये से। 5 रुपये से स्टार्ट होती है। ये 5 रुपये वाला कौन सा है इसमें? तो ये 5 रुपये वाला चुनरी है। उसके साथ साथ जो है कि मतलब ये बेचते हैं आप लोग, लाची दाना मिश्री, ये कितने दाम क्या पड़ता है इसका? 10 रुपये। और ये जौ? जौ 5 रुपये में। और ये है, क्या दाम पड़ता है? 10 रुपये। ये सब पैकेट का लगा के बेचते हैं आप लोग। और उसके बाद ये सब जो सिंदूर उंदूर बिकता है माक चढ़ाने के लिए, तो ये सब चुटकी में देते होंगे, इससे ये सब पूरा जितना सामान है। तो दाम तो पहले से ज़्यादा बढ़ा देगी? ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नहीं पड़ा है। और सर मतलब जैसे नारियल है, नारियल कितने पड़ता होगा आपका? नारियल, नारियल आपका सूखा नारियल है? हाँ ना, मेवा नारियल, मेवा नारियल आपका बिक रहा है 50 रुपये। ये नारियल है कितने पड़ेगा? ये 25 से 30 रुपये नारियल का रेट है। 25 से 30 रुपये तक मैक्सिमम, मतलब 25 से 30 रुपये। तो उसके बाद ये सब पैकेट के हिसाब से ही बेचते हैं आप लोग? नहीं, वजन कर देते हैं, वजन करके मतलब देर में आराम रहता है लोगों को। अच्छा, तो ये जैसे कितना वजन है इसका? 250 ग्राम। 250 ग्राम। और क्या रेट है इसका? 40 रुपये। 40 रुपये का 250 ग्राम। और उसके बाद ये क्या भैया? ये कुट्टू है। क्या दाम है इसका? कुट्टू का दाना है। अच्छा, कुट्टू का दाना है, कुट्टू दाना है, तिल्ली का दाना है, तिल्ली का दाना है। तो क्या दाम इसका है? वो आपका 160 रुपये। 160 रुपये। और ये वो भी 160 रुपये। 160 रुपये किलो। और ये क्या है मतलब? ये तो सिंघाड़े का आटा है। क्या दाम पड़ेगा इसका? 160 रुपये। 160। पैकेट वाला मतलब थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा, पैकेट में थोड़ा ऊँचा पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये सब जो सामग्री है, और ये दाली नमकीन है, और ये मतलब कि जो है कि ब्रश जो स्त्रियाँ रहती हैं, जो स्त्रियाँ व्रत रहती हैं उनको खाने के लिए है। तो ये कितना वजन होगा इसका? 200 ग्राम का वजन। क्या दाम है इसका? 40 रुपये। 40 रुपये, बढ़िया है इससे। तो ये सब नवरात्र का जो है कि सामान जो बिक रहा है उसके बारे में भैया जी थे। और ये नंदलाल जी गुप्ता जी है जो बना मतलब कि यहाँ पर बरुआडी में उनका ये दुकान है, और ये सामान सब बेच रहे हैं। तो मतलब कि इसमें मतलब पहले और आपसे मतलब ज़्यादा दाम बढ़ा नहीं, मतलब औसत दर्जन से उसी तरह चल रहा है। तो चलिए आपके लिए मतलब हैप्पी नवरात्र भैया, थैंक यू। ठीक सर, दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।